अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलीम तेजानी, फूड फन एंड म्यूजिक की जानिब से। आज हम फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान के तवसुस से बात करेंगे और बहुत सारी कुछ डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी हो रही है और उसमें क्या क्या होगा वो मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरा, इमरान खान को 804 नंबर का नंबर, कैदी नंबर अलॉट कर दिया है और हामिद मीर को सहाफी तंजीम से निकाल दिया गया है। और दूसरी बात ये थी कि बोल न्यूज़ बिक चुका है और बोल न्यूज़ जो नया जो है उसमें एक इशू है कि उसमें आप इमरान खान की फेवर में या इमरान खान या पीडीएम या पीपल्स पार्टी या नून लीग के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। नया ओनर कौन है अभी तक कुछ पता नहीं है, मगर समी इब्राहिम जो इतने सालों से सीनियर सहाफ़ी उसके बोल न्यूज़ के थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये बंदोबस्त नहीं कर लेते हैं 8 बजे वाला स्लॉट, तब तक वो चैनल के साथ रहेंगे। मगर सच्चाई को बोलने से अगर रुकावट आती है तो मैं ऐसी जगह कुछ तबसरे नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इस चैनल का हिस्सा नहीं रहूँगा। तो बोल न्यूज़ का भी अब इशू हो गया है कि आप पहले तो वो था, आप बोलता था। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं तो आपको मेरी नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, नवाज शरीफ की वापसी धूमधाम से होगी ये बताया जा रहा है नून लीग की जानिब से, और बड़ा शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। नून लीग ने वहां से अपने वकीलों के, नवाज शरीफ ने वहां से अपने वकीलों के साथ मिलकर उनकी हिफाजती जमानतें मंजूर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और वो तो मिली जाएगी जमानतें, क्योंकि ये निगरान हुकूमत क्या है, ये पीडीएम की है, उन्होंने उन्हीं की है। देखें, आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, ये फाइनल हो गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये सबको पता था कि इलेक्शन ये लोग नहीं कराएंगे। अब इलेक्शन होंगे जाके फरवरी मार्च में, और वो भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये मैंने जैसा पहले आपको कहा था कि इनके लोग बिठा दिए आगे पीछे से यही चला रहे होंगे। तो इलेक्शन का तो आप भूल जाएं, आप क्या होना है क्या नहीं कुछ पता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि नून लीग अगर जीतेगी तो उसमें नवाज शरीफ ही उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, तो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ये जरदारी और नवाज शरीफ बारी बारी टर्न लेंगे और इसी तरह चलता रहेगा, मुल्क को नोचते रहेंगे, मुल्क को खाते रहेंगे। और वो डील हो चुकी है, 5 साल तुम करो 5 साल हम करें, 5 साल तुम करो 5 साल हम करें, इसी तरह हम मुल्क को नोचेंगे। गरीबों का कोई नहीं सोचता। पेट्रोल की प्राइस 17 रुपये लीटर, अभी तक एक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस पाकिस्तान में है, और डीजल पे 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं, जब गैस और डीजल और पेट्रोल की प्राइसें ऊपर जाती है तो फिर हर चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है। अब तो पब्लिक को बाहर निकलना है या नहीं निकलना है या ऐसे ही बैठे रहना है। इमरान खान से वकीलों की मुलाकात हुई जेल के अंदर, उन्होंने बाहर आके ये मैसेज दिया इमरान खान का कि भाई मैं इससे भी बदतर हालत में रहने के लिए तैयार हूँ, कौम अपना बंदोबस्त करे, कौम आज़ादी चाहिए तो वो अपना स्टेप लें, मुझे परवाह नहीं है, मैं मुल्क की खातिर यहाँ पे, आज़ादी की खातिर यहाँ पे मैं जितना ज़्यादा टाइम निकालना हो निकाल लूँगा, और अगर मरना भी पड़ा तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा, मगर पब्लिक को अपना सोचना है या नहीं सोचना है। ये मैसेज दिया है, इसमें इशारा है कि भाई अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब आप कुछ करें, आप बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और कुछ तो करें, वरना इसी तरह आपके ये आपकी लाइफ इसी तरह से टॉर्चर होता रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये मैसेज इमरान खान ने भेजा था। इमरान खान का नाम तो पहले ही बंद कर दिया था कि इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते किसी भी मीडिया पे, इमरान खान की आवाज़ नहीं सुना सकते हैं, ये तो चीज़ें हो गई थी। 804 नंबर अब इमरान खान का आ गया है। अब पहले तो ये बोलते थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अब ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैदी नंबर 804 की जमानत
नामंजूर हो गई। कैदी नंबर 804 आज इस अदालत में पेश हुआ है, कैदी नंबर 804, बस ये होने वाला है, इसमें इसमें देर नहीं है। 804 नंबर के कैदी की हैसियत रह गई है इमरान खान की। ये क्या किया आपने इमरान खान, हमारे खान साहब, ये क्या किया आपने? अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ दिया मुल्क की खातिर, लोगों की आज़ादी की खातिर, और तो आपको कोई लालच नहीं है, मगर मुल्क की आज़ादी से लड़ने की खातिर आपने अपनी बीवी से नाता तोड़ दिया, आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया जो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल तक आपसे मिलते नहीं हैं। कौन छोड़ता है बीवी बच्चों को? चलो बच्चों को कौन छोड़ता है, बीवी के साथ डिवोर्स हो गया, कोई अनबन हो, कुछ भी हो, बच्चों को कौन छोड़ता है? आपने ये भी करके दिखाया मुल्क के लिए, मगर आपको करना नहीं चाहिए था। क्यों? ये मुर्दा कौम हो गई है, कुछ नहीं होने वाला, इनको बाहर निकलना नहीं है, सिर्फ टीवी पे आके इंटरव्यू के अंदर आपको मैसेज देना है, सब वो रोना है बाकायदा, और मेरे बच्चे तो दूध भी नहीं पी सकते, हमारे पास राशन नहीं है, बस यही करेंगे और कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी इन लोगों के लिए। अभी भी वक्त है, अगर आपको ज़मानत मिल जाती है और जाने की इजाज़त मिलती है, निकल जाएं इस मुल्क के लिए, कुछ भी ना करें, क्योंकि आज तक कोई नहीं कर सका। ये लोग 30-35 साल से नोचते आ रहे हैं और भी इनको नोचना है, इसीलिए और हुकूमतें करनी हैं और पावर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरने हैं। पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे, इतना तो अरबों खरबों बना लिए, अब किस चीज़ की लालच है? रिटायर होके आराम से बैठो अपने घर में, मगर नहीं, अभी भी उनको अपने बच्चों को हुकूमत में लाना है, तो वो भी उनके नक्शे कदम पर नोच नोच के खाएं मुल्क को। एक ये चीज़, हामिद मीर की जो खबर आई है वो ये हामिद मीर ने भी कुछ खान साहब की फेवर में बोलना शुरू कर दिया था और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, तो उसको सहाफी तंजीम से निकाल दिया गया है। इमरान खान की आज तक खबर नहीं आई, इमरान रियाज खान की 3 महीने से ऊपर हो गया है, कुछ पता नहीं है कहाँ है क्या है, ना इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है, इस मुल्क में ऐसे ही चलता है। अल्लाह ना करे अरशद शरीफ की तरह कोई खबर ना आ जाए। बस आप लोग इमरान रियाज खान को, इमरान खान को दुआओं में याद रखिएगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया 3.5 साल में, चले आए वो भी तबसरा कर लेते हैं। इमरान खान पर जो जुर्म साबित हो गए उस पर डिस्कशन करते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, चलें ये उस इमरान खान की गलतियां थी, ये मैं आपको बताता हूँ बारी बारी, बहुत सारी हैं मगर मैं स्पीड में आपको बताता हूँ चंद, ये सिर्फ चंद मैं आपको बता रहा हूँ, आगे तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। और ये बाहर के अखबारों ने और मैगज़ीन ने इशू किया है, छापा है इसको, तो मैं कॉपी निकाल के मैंने आपको पढ़ के दे रहा हूँ। मैं 2 बिलियन एलोकेट किए प्राइम मिनिस्टर, 2 बिलियन रुपीज एलोकेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अच्छा अब आ जाए, $1.2 बिलियन की पेनल्टी से बचाया है कार की केस में, जो पेनल्टी हम पे लगी थी वो पेनल्टी माफ करवाई है, ठीक है। अब आ जाए, करतारपुर का कॉरिडोर खोला सिखों के लिए और बड़ी फेवर की सिखों के लिए, रिलीजियस उनकी बिलीफ थी कि यहां आकर उनको ये करना है, तो उनके लिए वो रास्ता हमवार कर दिया। मोदी को एक्सपोज किया कश्मीर इशू में, वर्ल्ड वाइड ग्लोब, पूरे अक्रॉस द ग्लोब, एंड उसको आइसोलेटेड कर दिया, वो अकेला रह गया क्योंकि सब लोग कश्मीर की फेवर में थे। अच्छा, सेहत सहूलत कार्ड बनाए जिसमें 10 लाख रुपए तक इलाज कराने का सालाना उनको बेनिफिट था। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट किया, दरख्त लगाने का वो भी शुरू हो चुका था और वो आजकल बहुत जरूरी है, ग्लोबल जो चेंजेस आ रही है उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, 150 बिलियन रुपयों का जरूरतमंदों को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब डैम के लिए फंडिंग प्रोवाइडेड फॉर अ नंबर ऑफ डैम प्रोजेक्ट, वर्क ऑन मोस्ट हैज कमेंस्ड एंड वुड बी कंप्लीटेड आफ्टर द लीडर थिंग्स, शुरू हो चुका था काम उसके लिए भी। अच्छा, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कोई लोकल पाकिस्तान की पीटीआई की पार्टी वालों ने नहीं लिखा है, ये बाहर के मैगजीन और बाहर की न्यूज एजेंसियों ने ये शाया किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान थिंक्स
अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, नॉट द फ्यूचर इलेक्शन. उनको नेक्स्ट इलेक्शन की परवाह नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन अपनी जो आने वाले नस्ल है उसके लिए उनको कुछ करना है, उनको अगले इलेक्शन की तैयारी नहीं करनी है. ठीक है, गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेस के लिए कोविड की वजह से छोटे बिजनेसों को जरा सा नुकसान हो रहा था तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए और माफ करवाए. अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट $3 बिलियन हो गया, $20 बिलियन से, $20 बिलियन से $3 बिलियन कर दिया 22 महीने में. ये 22 महीने की रिपोर्ट है. 1.2 मिलियन फैमिली, आजाद कश्मीर की फैमिली को भी सेहत सहूलत कार्ड दिया, वही ₹10 लाख सालाना उनके लिए इलाज करा सकते हैं उनकी फैमिली के लिए. टैक्स कलेक्शन, FBR में कितने केसेस, जो कितने अकाउंट रजिस्टर्ड हुए जिन्होंने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिया था, तो 17% बढ़ा दिया है टैक्स कलेक्शन कोविड से पहले, और नए अकाउंट्स खुल गए FBR में, तो टैक्स कलेक्शन भी 17% ज्यादा हुआ. 7 मिलियन फैमिली को सेहत सहूलत कार्ड पंजाब में दिए गए, और उसमें से 4.6 मिलियन को तो मिल गए थे और बाकी प्रोसेस में थे. ये सब चीजें PDF ने आके खत्म कर दिए, कोई भी चीज इनमें से रखी नहीं, बाकी सब कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट. अच्छा, COVID-19 में दुनिया का वाहिद लीडर है जिसने डेट रिलीफ के लिए आवाज उठाई और डेट माफ कराई, $2.4 बिलियन की डेट माफ कराई है इमरान खान ने कोविड की वजह से. कोविड को किस तरह हैंडल किया है, पूरी दुनिया में ये एवरेज था पर मिलियन का, 1,275 लोगों की डेथ होती थी पर मिलियन में. इमरान खान ने पाकिस्तान में 901 डेथ पर मिलियन पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसमें डेथ रेशो सबसे कम था. ये इमरान खान ने किया और उसने कोई चीज बंद भी नहीं की थी, उसने गरीबों को मारा नहीं था कि बंद करके गरीब सफर करेंगे, तो क्या बोलते हैं, सूबाई हुकूमतों ने कुछ अपनी अपनी चलाने की कोशिश की थी मगर इसने रुकावट डाली थी बीच में और कहा था कि मत करो, ये गरीबों के लिए सही नहीं है. अच्छा, कितने पाकिस्तानी सऊदी अरब में और दूसरे कंट्रीज के अंदर जो कैद थे उनको रिहा करवा के मुल्क लेकर आया, बड़ी अचीवमेंट. और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के अंदर था, वो 552 में से 298 पर ले आया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया. और इसके अंदर आपको कितनी बचत हुई है, 349 मिलियन का हो गया. और उसके लिए थे, ये मैं आपको बताता हूं, 33% सेविंग्स हुई है. और इसके अंदर 349 मिलियन 500 और 9 मिलियन से 349 मिलियन पे लेकर आया खर्चा व्हाइट हाउस का. बहुत सारी है, ये तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया, मैं तो अब चलता जाऊंगा, बढ़ती जाएगी. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज ब्रॉट द ट्रेड डेफिसिट टू 21 बिलियन फ्रॉम 37 बिलियन, और ट्रेड डेफिसिट भी कम करवा दिया 21. अब मैं क्या इसमें आपको बताता चलूं, ये तो पूरी लिस्ट इन लोगों ने शाया की है. बस ये है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं क्या किया, अरे आप बताओ आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 1.5 साल में क्या किया. अपना डॉलर इस वक्त 300 से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल और डॉलर दोनों की रफ्तार सेम जा रही है, 300 से ऊपर हो रहा है. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आजादी तो हमने बनाई, जश्न आजादी, वाकई हम आजाद हैं, सही मानों में आजादी बांग्लादेश को मिली है. आज उनका टका कहां पहुंचा है, 100 और कुछ पे है. इंडिया की करेंसी देखें 100 के आसपास है, हमारा 300 से ऊपर हो गया. पेट्रोल देखें तो प्राइसेस देखें, बांग्लादेश के अंदर पेट्रोल जो है वो 100 और कुछ पर लीटर है, इंडिया में भी सेम प्राइस है. हम तो कहां आसमान पे बातें कर रहे हैं, आजादी तो बांग्लादेश को मिली है. बड़े खुश है वो लोग पाकिस्तान की हालत देख के, हमें इससे जान छूटी हमारी. अब देखें, ये जश्न आजादी बना ली, झंडा लगा दिया, सेलिब्रेशन कर लिया, पटाखे फोड़ लिए, तन पे पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रोड पे निकल पड़े जश्न आजादी मनाने के लिए. खैर, मनाना तो चाहिए मगर हुकूमतों को कुछ सोचना तो चाहिए कि क्या करें इस चीज का. मगर अब तो खैर निगरान आ गई है, निगरान ने तो इलेक्शन, अब तो भूल जाओ आप, वो निगरान चलेगी 6-8 महीने, बस पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा. नवाज शरीफ आ रहे हैं,
और देखें अब आपके ऊपर है, फिर उनको वजीर आजम बनाना है, फिर उन ये चीजें जो हो रही है वो करनी है आपको, आपकी मर्जी है आप किसको वोट डालेंगे। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए, सॉरी इमरान खान नहीं, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 को अगर आपको सपोर्ट करना है तो पीटीआई चाहे सब रिजाइन कर जाएं, चाहे सब किसी को भी जाने दें, इमरान खान के नाम पर अगर वोट डालें तो पीटीआई को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो आप उनको वोट डाल सकते हैं, मगर आप लोगों की चॉइस है। अगर आप नून लीग को फिर से लाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को लाना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, कमेंट दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।